देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आपने माड़ी किस्मत तो उपरंती कोशिश कर रही है युवराज, प्लीज मेरा साथ दे। मैं छेती ठीक हो जाऊंगी जे तू मेरा साथ देगा। बोल कि तू मेरे नाल है, मेरी कमजोरियां ते काबू पान ली। पर मैं सब चेक कर सकता हरली। मेरे नाल दोस्ती करेगा कि मैं इन्नी माड़ी हां कि कोई मेरे नाल दोस्ती भी नहीं कर सकता। मैनू बहुत कल्लापन महसूस होता है। मैं गल करना चाहनी हां पर कोई मेरी गल सुनना ही नहीं चाहता। चल आज तो आप एक नवी शुरुआत करिए। पर सिर्फ दोस्त, इस तो ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल, यकीन रख मेरे ते, मैं छेती इस घर तो चली जावांगी, पर एदा दी यादा लेके नहीं, कुछ चंगिया यादा लेके, तेरी ते मेरी दोस्ती दे रूप च। आज तो अपा दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त। शर्टी, ओ शर्टी, इधर आ, मेरी गल सुन। सत श्री अंकल जी, पैर पैना। सत श्री अकाल पुत्र। ओ मैं थोड़ा जा जल्दी च सी ता तुहाडी आवाज नहीं सुनी। तेरा ध्यान युवराज तो हटे ता तू देखे। नहीं नहीं बाऊ जी, तुहानू पता ही आ कि बाई जी ते मेरे च किन्ना प्यार है, फिर इच दसन वाली तो कोई गल ही नहीं। बहुत प्यार करदे ना तू अपने भाजी नू। हाँ जी। ता दस उनू केड़ा शहर पसंद है? भाई जी नू मुंबई बहुत पसंद है। मुंबई बुंबई नू छड़, होर दस। बाऊ जी, भाई जी नू ता मुंबई ते दिल्ली तो अलावा होर किसी शहर दा नाम ही नहीं पता। तो जदों किसी शहर दा नाम ही नहीं पता तो पसंद कित्थों होणगे। वैसे तुसी ये क्यों पूछ रहे हो? चल तू दस तेनू केड़ा शहर पसंद है। मैनू अंकल जी? हाँ मैनू ना गोवा बड़ा पसंद है। वो यार कुड़ी दी तरह शर्मा क्यों रहे हैं? एहो जे की है गोवा च? बाऊ जी हाँ, गोवा च है बीच, समुंदर के किनारे, उत्थे चलदियां ने ठंडियां हवावां, उत्तों उत्थे शराब भी बड़ी सस्ती है। बाऊ जी ना मर्जी घूमो फिरो, नजारे लो, पूरा दिन मजा ही मजे, मजा ही मजे, मजा ही मजे। अंकल जी सोनिया सोनिया कुड़िया, छोटे छोटे कपड़े, हाए ओए चुप रुक जा। बिल्कुल सही जगह है गोवा। उठो दिया दो टिकटां लिया। पाऊ जी तुसी गोवा जाके की करना? तुसी कहो तो मैं तुहाडी टिकट हरिद्वार दी कटा दवां। तुहानू उत्थे तुहाडी उम्र दे भी बंदे लभ जाने। बनारस लै जा, गंगा किनारे लै जा तुहानू। ओ नहीं, गोवा दियां ही दो टिकटां करवा। पर बाऊ जी गोवा दियां क्यों चाहीदियां? ओए काका हुण सरगन ते युवराज नू हनीमून ते ना भेजा। किन्ना चिर हो गया युवराज दे ब्याह हुए नू, सारे रीति रिवाज रस्म पूरे कर लीते, हुण ता उहनां नू हनीमून ते जाना चाहीदा कि नहीं? जी हाँ जी हाँ जी, जरूर जाना चाहीदा जी। ते गोवा तो वधिया तां कोई जगह ही नहीं बाऊ जी हनीमून वास्ते। नारे पुत्त दो में जानगे, इकट्ठे रहनगे, एक दूजे नु समझनगे ना। अंकल जी मैंने थोड़े को ये उम्मीद नहीं सी। की गल होगी पुत्र, मैं एहो जे की करता? अंकल जी तुहानू चंगी तरह पता है कि अज मैं इत्थे पहली बार छोले पूरियां बनाए ने,
पर तुसे एक बार भी नहीं किया कि तुसे खाके वेखोंगे। चलो तुसी मेरे नाल चलो ते खाके दसो कि किद्दा दे बने ने, ते बीबी जी भी आंदे ही होंगे। चल चल पुत्र चल। शुक्र है बच गया, हुण बाई जी नूं जाके सारी गल दस दो। बाई जी यार किथे हो तुसी, मैं तुहानूं ना लभ लभ थक गया। यार तुहानूं इक एदां दी गल दसनी है जिहड़ी गल सुणदे ही तुसी नच्चण ते टप्पण लग जाओगे। ओए की गल है यार, बड़ा रौला पावे तू है। शेड़ी की गल है, बड़ा खुश लग रहा है। ओ बाई जी गल ही एदां दी है, तुसी भी सुनोगे तो खुशी ना पागल हो जाओगे। और शेड़ी छेती बोल यार, गल ना लटकाना बहुत है तू, वर्कआउट करके हटिया ना, हम ही जाना तेरी तेरी भाभी की मदद भी करनी है। भाई जी भाभी जी ना हुण तुहाडे नाल ही रहिंदे ने, जदों मर्जी मदद कर दिओ, फिलहाल ना अपने बैग पैक करो, हनीमून ते जा रहे हो तुसी। की शेड़ी ऐसा तेनू किन्ने क्या होए? कौन कह सकदा, पापा जी ने उन्हें नहीं कहा कि तुहाडी ते सरगुण भाभी दीआं दो टिकटां बुक कर दो, तैयारी कर लो भाई जी। मैं जिन्नी कोशिश करती हाँ सरगुण नूं युवराज तो अलग करन दी, उन्ना ही युवराज उहदे नेड़े हो ही जांदा है। ओए बल्ले ओए शट्टी मौजा मनाई ओए बल्ले। ओ वाह वाह, ओ वाह वाह, ओ वाह वाह, ओ वाह वाह। ओ चलो भाई जी थल्ले चलो, तैयारी शुरू करते हैं। चल ठीक है। ओए पहले गल पापा जी किथे? थल्ले बैठे आ। चल 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 चल। हेलो भी पापा जी। की गल हो गई पुत्र? पापा जी इस घर च ना सिर्फ तुसी हो जो मैनू समझ सकदे हो। खुश रह पुत्रा, खुश रहो। लव यू पापा जी। गोवा पार दे काम आऊगी। बिल्कुल सही क्या हुए? वो यार शटी हनीमून ते की लेके जाइए? मेरा मतलब है मेरा पहला हनीमून है ना, तां करके पूछ रहा है बस, वैसे कोई गल नहीं है। भाई जी हनीमून सारे दा ना पहला ही हुंदा है, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਾਰੀ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ? ਓ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ? ਓਏ ਸ਼ਰਟੀਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਲ ਛੱਡ ਪਰਾ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। मम्मी जी की मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ हलीन पुत्र आ जा अंदर आ जा। मम्मी जी
मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मैं इत्थे नहीं रहना चाहती, मैनू इजाजत दो। की होया हरलीन पुत्तर, किदां दी गल्लां करी जा रही है? मैं इस घर च किस मूंह दे नाल रवा, मैनू तुसी ही दसो। तुसी मैनू इन्ने मान नाल इस घर च ले आए सी, ते मैं की कीता? तुहानू सब दे सामने शर्मिंदा। मैं इस घर च नहीं रहना चाहती, मैं इत्थे रहण दे लायक नहीं हाँ। प्लीज मैनू जान दो, मैनू ना रोको प्लीज। पागल है की? वो की बोली जा रही है, पता है तेनू? किधर नहीं जाना तू, समझी? जदों तक तेरा ब्याह नहीं हो जाता ना, तू किधर नहीं जा रही। बाकी जो भी होया बेटा, उहदे विच तेरी कोई गलती नहीं सी, गलत फहमी सी जो किसी को भी हो सकती है। तू किहड़ा आशा ते जान बूझ के इल्जाम लगाया सी, दस मैनू? नहीं लगाया सी ना? तो फिर हरलीन पुत्तर, माफी तो सानू तेरे को मंगनी चाहिए, क्योंकि इस घर भी तेरे नाल बहुत बुरा होया। आज तेरा जो हाल है वो सब साड़ी वजह करके है। तुम किन्ने चंगे हो मम्मी जी, थोड़ा सच्ची बहुत वड्डा दिल है। थोड़े ऐसे चंगे बंदा की फायदा चकते ने, ते ए सब तुहाडी पिठ पिछे हो रहे, ते तुहानू पता भी नहीं। गल नू समझ चंद्रा, आशा दा परिवार ना हुण हजिंदर वर्गी दमदार औरत नाल जुड़ गया। सरगुण जो भी आई गई ओहदे घरे, ओही तो मैं सोच रही हूँ मेनका, कि हुण तो मैं आशा तो होर भी पैसे मांग सकती हूँ, गड्डी गहने जो मर्जी। ओ हजिंदर हुई ना सिर्फ लोक दिखावा करते ने, लोक दिखावा है तो वो उच्चे सुच्चे खानदान दे लोग, पर असल च एक नंबर दे बदमाश ने। जे तेनू कुछ हो गया ना, फिर सारी जिंदगी पछताती फिरेंगी। ओ आशा एक नंबर दी कंजूस औरत है, हैं? ओ अपने सिर दी मरी जू ना दवे किसे नू, ते ओदा जवाई एक नंबर दा गुंडा बदमाश है। ते जे आशा दे कहण ते उन्हें तनु किते सट वट मार दित्ती ना, ते किते ए ना होवे कि तेनु लैणे दे देणे पै जाण। अजे भी टाइम है तेरे कोल चंद्रा, वापस कर दे कड़े ते तोड़ दे रिश्ता, खत्म कर इस कहानी नू। वैसे भी समर लई मैं कोई अमीर खानदान दी कुड़ी तनु लभ के लियावांगी, पर उदे नाल की होगा? मैं सिर्फ सानवी नाल ही व्याह करांगा। तुसी इत्थे बह के मेरी मम्मी नू मेरे प्यार दे खिलाफ पड़का रहे हो। एक गल मेरी कान खोल के सुन लो, तुसी मेरी मम्मी तो दूर रहो, नहीं तो तुहाडे लई चंगा नहीं होगा। मैं तुहाडी रगरग तो वाकफ हाँ, चंगी तरह जानदा मैं तुहानू। तुसी मेरी मम्मी का चंगा नहीं माड़ा ही सोचदे हो। तुसी एक नंबर दे लालची औरत हो जो सिर्फ अपने बारे ही सोचदी है। एक ही बदतमीजी है समर, वो मेरी सहेली है, ते तेरी माँ दी उम्र दी है। तू मेनका ना एवे गल नहीं कर सकता कि यही सिखाया मैं तन्नू। तुहानू अपनी सैली दी पई है, मेरी कोई फिकर नहीं। मम्मी जी, जे तुहानू अपने दोस्त प्यारे ने ना, तो मैनू मेरी सानवी प्यारी है। जे तुसी जिद्दी हो ना, तो यह गल याद रखियो कि मैं भी तुहाडा पुत्तर हाँ। हुण तुसी सोच लो, तुसी किहदी गल मननी है, अपनी सैली दी जां फिर अपने पुत्तर दी। जे मेरा व्याह सानवी नाल नहीं होया ना, तो मैं अपनी जान दे दांगा। मैं बाहर तुहाडा इंतजार कर रहा। देखिया चंद्रा, मैं तेनू कहा सी ना कि ये आशा ते उहदियां कुड़ियां बड़ियां चलाक ने,
कर लिया ना समन भी अपने वास च, हुणी तो ही उन्हां दी जुबान बोलदा फिरदा। अजे तां विआह भी नहीं होया ते जोरू दा गुलाम बनिया फिरदा। सोच चंद्रा कि विआह तो बाद तेरा की होएगा। बस मैं होर कुछ नहीं सुनना चाहती हूं। की होया चंद्रा? मैं तो तेनू तेरे भले वास्ते समझा रही सी, पर तू तो मेरे ते। मेनका मैनू तेरे नाल इदां गल नहीं करनी चाहिए सी, तू मैनू माफ कर दे। पर मैं एक माँ हाँ ते मैनू डर है कि मैं कहते अपने इकलौता मुंडा ना खो बैठा। मेरे लिए दुनिया च उस तो वध के होर कुछ भी नहीं है। जे संभर नू कुछ हो गया ना फिर बचांगी मैं भी नहीं। कुछ नहीं करता वो चंद्रा, ये सिर्फ कहन दी गल्लां ने। मैं अपने मुंडे नू चंगी तरह जानती हाँ मेनका, वो ये सब कुछ कर सकता है। ते तेरी गल्लां जाके मैं अपना मुंडा हत्थों गवाना नहीं चाहती। ते वैसे भी हुण आशा हरजिंदर की कुड़मणी बन गई है। कुछ भी कह, सानू सारे शहर चो इन्हां तो उच्चा रिश्तेदार कित्थे लभना है। इसलिए तू सारी गल्लां नू छड्ड, हुण मैं चलदी हाँ। चंद्रा ए बेवकूफी ना कर, मैं तो तेनू समझा ही रही सी, फिर ना कही कि तेनू किसी ने दस्या नहीं है। याद रखी जे समर दा सानवी नाल विआह हो गया ना तो तेरे हाथ कुछ नहीं रहना है। खाली हाथ लटकांदी फिरी जाई फिर, उल्टा जेड़ा तेनू विआह दा खर्चा करना पेगा ओ हट। गल तो इन्हें बिल्कुल सही कही है, पर हुण सानवी दे अलावा मेरे कोल कोई होर ऑप्शन भी तो नहीं है। समर दा विआह तो सानवी नाल ही कराना पेगा। हुण जो कुछ भी चाहिए है ना वो आशा दे परिवार तो ही लेना पेगा। मैं तेरी गल याद रखांगी मेनका। मैनू मेरी पढ़ाई अगे लैके जाएगी, IAS बन के विखावांगी हुण सारे नू। मैनू कलैक्टर बनन तो ना हुण कोई नहीं रोक सकता। ओ यार भाई जी आ सब नहीं चलना, इदा करांगे ट्रायल कर लांगे, जे चल गया तो तू की सारी जिंदगी मेरे को मुंह लुकोके भजदे रहेगा। हुण इहो जी केड़ी गल लुको रहे? इहदा मतलब है कि सरगुण मेरे नाल सारी जिंदगी इत्थे रहना चाहती है, ओह भी मेरी होके। दोनों दे दोनों एक नंबर दे चोर ते बदमाश लगते ने शकल तो, ते वेखदे तां इदां ने जिद्दां ना डड्डू वेखदा होवे अखां फाड़ फाड़ के। बस सारा दिन इन्हां नूं घुमा फिरा लो, अवारा गर्द किसे थां ते ना होंदा। यार शाटी मैं तेरी भरजाई नूं हनीमून ते किद्दां लेके जाऊंगा यार, उन्हें तो हनीमून का नाम सुन के ना मेरा मार मार के बुरा हाल कर देना। अप्पा जी तुसे डरते क्यों यार? भाजी कुड़ियां इदे दिखांदियां होंदियां ने, पर अंदरों उन्हां दा मन हुंदा घूमण दा। बस ये चाहदियां ने कि पैर मुंडे करन, तुसी दा हीरो साडे कर देना तुसी सब सैट। ओए सोच थाम लांगा, ओ मैनूं तां ऐ वी नहीं पता कि हनीमून ते की लैके चाहिए है ते की नहीं। भाई जी ये सब नहीं चलना। ए, की हो गया तेनू, क्यों फालतू बोली जा रहे? तुहाडी पेंट भी नहीं चलनी। ए, नहीं चलनी वो की फालतू बकवास करी जा रहे? बिना पेंट दे जाऊंगा उठे। ओ यार भाई जी बिना पेंट दे नाल नहीं जाना, अद्धी पेंट ना जाना, आपा दी निक्कर बना लेनी है। है वो इस पेंट च की खराबी है? ओ भाई खराबी कोई नहीं, वो मैं गोवा च देखे है, टीवी ते आंदा नहीं हुंदा, लोकी निक्करां पा के घूमदे ने बीचां ते। ओ पर पेंट खराब करन दी की लोड़ है, वो आपा निक्कर ले लांगे। अच्छा मैनूं गल दसो कोई सलवार सूट का कपड़ा पे होएगा भरजाई को? सलवार सूट हूं तो ओदा की करना है? अच्छा समझ गया, तेरी भरजाई वास्ते। ओप्पा जी तुसी हरिद्वार नहीं चले भाभी लैके, हनीमून ते चले हो, उत्थे भाभी सूट पाए घूमूगी, हद हो गई यार भाई तुहाडी। यार सुन सुन के किन्ना अजीब लग रहा है, पर सूट का करना की है यार, पाना नहीं था। ओ भाई जी तुसी देखिया नहीं लोग गोवा दे बीचा ते ना फुल्लां वालियां कमीजां पा के घूमदे ने, ते भाभी को कोई ना कोई तो फुल्लां वाला प्रिंट दा सूट पिया ही होना है, असी ओ वाले सूट दी कमीज बना लेनी, पैसे भी बचे ने। यार तू बार बार सरगुण नूं विच क्यों लैंदा है? जे उहनूं पता चल गया ना वो मैनूं कुट्टूगी बहुत,
ਉਹ ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਪ ਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲ ਫਿਰ ਰੂਪ ਦੀ ਕੋ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਓਏ ਖੜ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈ। ਓਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਗੁਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਣ ਦੇ। ਯਾ ਸ਼ਰੀ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਾਂ। ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਲੀ ਰੁਕ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਲੀ, ਬੋਲ। ਉਹ ਸਰਗੁਣ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੌਂ ਹੈ ਹਰਲੀਨ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਸ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਹਰਲੀਨ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਸਰਗੁਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਤੇ ਦੇਖ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਲੀਨ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪਛਤਾਏਂਗੀ। ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ